जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक क्लियर कर लिया है, और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप प्लेलिस्ट के आर्टिकल वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्पॉटिंग एरर कर रहे हैं, और स्पॉटिंग एरर में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं किया जाता है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन किया जाता है। थोड़ा बहुत का मतलब यह है क्वेश्चन में जो भी दिया रहता है उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया जाता है, बट कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए आपको आर्टिकल वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आर्टिकल वाले वीडियो को देख सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए दिया हुआ है, लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम। तो ध्यान दीजिए, लेट जज इन हिम, सॉरी जज इन यू। तो यहाँ पे देखिए, जब हम किसी भी व्यक्ति में उसके अंदर किसी के गुण को देखना चाहते हैं तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, अर्थात जज के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द का। द जज इन यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है, माई टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार। तो ध्यान दीजिए, माई टीचर सेड दैट, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। द सन, यहाँ पे जो सन है स्टार है, और हम लोग तारों के पहले द का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा द सन। क्या हो जाएगा? द सन इज अ स्टार हो जाएगा। द सन इज अ स्टार। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या दिया हुआ है, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिए, ड्यू टू इट्स ब्यूटी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कश्मीर इज नोन एज, यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। तो ध्यान दीजिए, मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ साउथर्न इंडिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डू नॉट नो, नहीं जानते हैं। द हिंदी नहीं होगा, हिंदी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? हिंदी होगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 में ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न्ड। तो ध्यान दीजिए, ही वेंट फॉर द लंच, यहाँ पे लंच आया हुआ है। हम लोग जानते हैं जो भोजन हम लोग करते हैं, जैसे डिनर हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, तो इनके पहले हम लोग रेगुलर मील जो होते हैं, रेगुलर मील में मतलब लंच हो गया रेगुलर है, ब्रेकफास्ट रेगुलर है, डिनर आपका रेगुलर है, तो ये रेगुलर मील के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे द लंच नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? लंच होगा। द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। तो ध्यान दीजिए, ऑनेस्टी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। द यहाँ पे नहीं होगा, द ऑनेस्टी इज वर्च्यू नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, ठीक। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ईस्ट। तो ध्यान दीजिए, एवरी मॉर्निंग इन द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा। क्या होगा? इन द ईस्ट, इन ईस्ट नहीं होगा, इन द ईस्ट होगा, ठीक। डायरेक्शन के पहले हम लोग
द का प्रयोग कर लेते हैं, इन द ईस्ट कर लेते हैं। ठीक, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। तो ध्यान दीजिए, ही इज बेस्ट प्लेयर, बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। आइए देख लेते हैं 54, क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए दिया हुआ है, व्हेन आई मेट हिम, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। तो ध्यान दीजिए, व्हेन आई मेट हिम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, द कपल ऑफ डेज यहाँ पे नहीं होगा, अ कपल ऑफ डेज हो जाएगा। अ कपल ऑफ डेज जब एक यूनिट को दिखाता है तो हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ए अ कपल ऑफ डेज हो जाएगा। यहाँ पर अ का प्रयोग होगा अर्थात ए का प्रयोग होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।